सखर से खबर दें, रोहड़ी में कौमी शाहरा पर दो मुसाफिर बसें टकरा गई हैं। हादसे में चार अफराद जान बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हैं। कराची से पंजाब जाने वाली और पंजाब से कराची आने वाली बसों में तसादुम हुआ है। जख्मियों को तालुका अस्पताल रोहड़ी मुंतकिल किया जा रहा है। खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सखर से यह अफसोसनाक खबर है। सखर में ट्रैफिक हादसा पेश आया, मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल रही हूँ शाहिद अली से। जी शाहिद अली, बताइएगा ये क्या मामला है। देखिए, ये हादसा जो है कौमी शाहरा पर रोड़ी के करीब पटनी थाने के हदूद में पेश आया है। यहाँ पर जो है कराची से पंजाब और पंजाब से कराची जाने वाली मुसाफिर बसें जो हैं वो टकराई हैं। जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये बसें जो है आपस में टकरा गई हैं। इस मुसाफिर बसों के हादसे में जो है अभी तक जो ईदी के जराए बता रहे हैं उसमें दो हलाकतें आ रही हैं, आजाद जराए से चार हलाकतें सामने आ रही हैं और 10 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हैं। बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। गोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा करें कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।